मैं एक किताब पढ़ रहा सी अंग्रेज इतिहासकार मैकालफ दी उन्हें द सिख रिलीजन लिखी है ते वो गुरु साहब तो बहुत प्रभावित हो गया ते वो लिखता है कहिंदा मेरे देश में ईसा पैदा होया एक ईसा कहिंदा उन्हें 30 साल की उम्र च लहाम होया ते 33 साल की उम्र च सलीब ते चाड़ के हाथा पर कल कट के मार दिता गया कहिंदा उस ईसा का असी इन्ना प्रचार किया अंग्रेजा ने कि साडे ईसा का जिहड़ा सच लई सलीब ते चढ़िया उहदा प्रचार दुनिया तक जाना चाहिए कहिंदा असी 72 करोड़ लोग अंग्रेज बनाते हालांकि जिहड़ा मैकालफा जिवें आपां सिख बच्चे की गल की तो पैदा गुरु गोबिंद सिंह जी के घरे हो गया इदों वड्डा तां इहदे लई कोई माण ही नहीं तो वह पंजाब दे विच नहीं जम्मिया मैकालफ वो इंग्लैंड जम्मिया वह सिख मां की कुखों पैदा नहीं होया वह बिल्लियां अखा चिट्टी चमड़ी वाली गोरी मां की कुखों पैदा होया क्रिश्चन मां की कुखों पैदा होया वह गुरु गोबिंद सिंह का सिंह नहीं वह जीसस का चेला पर कहना लिखदा कहना उन्होंने 30 साल की उम्र च लहाम होया ते 33 साल की उम्र सलीब ते चढ़ता असी उहदा इन्ना प्रचार किया आपदे पैगंबर का कहना असी उहदा नाम लै लैके 72 करोड़ लोग अंग्रेज बनाते हुण तां अंग्रेजा की गिणती 2 अरब तो भी अगे लंघ गई क्योंकि आंकड़ा जे 6 अरब तो अगे जा रहा दुनिया का तो यह तीजे हिस्से के काबज हो गए इन्होंने तो सारी मशीनरी झुकी पई आ सारे चैनल सारा मीडिया कला कला मिशनरी घर घर तुरे फिरते हैं कि साडे ईसा पैदा होया लोको इहदे बारे तुहानूं जानकारी देना चाहुंदे आ पता लगे तुहानूं ओह कहिंदा असी इक ईसा का इन्ना प्रचार किया असी उहदा नाम लै लैके करोड़ों लोग अंग्रेज बनाते कहिंदा पर हुण पर कहिंदा जिथे पर आ जे गल ध्यान नाल सुणनी पैंदी है हुण उहदा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वाल कहिंदा पर एक गल की सानूं भुख है जे किते ओह पटने की धरती ते पैदा होण वाला ओह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जिन्हें बंद बंद कटाउण वाले खोपड़िया नहाउण वाले चरखड़ियां ते चढ़न वाले जबूरां नाल नोचे जाण वाले बच्चों के टोटे गलां च पा के भाणा मन्नण वाले मार के नागड़ी हाथी का मत्था पाड़न वाले दर्रा खैबर दीआं चोटियां ते निशान साहब चलाउण वाले वड्डे सिर नूं चुक के लै गए लड़दे लड़दे परिक्रमा च जाके मत्था टेकण वाले रेलां दे इंजन वाहिगुरु जपदे आपदे जसबां तों दी लगाउण वाले कहिंदा किन्ने क गिणा साडे तां कीसा पैदा होया सी उहने खंडे दी धार चो घर घर ईसा पैदा करते पुरजा पुरजा हो गए पर उन्होंने आपदे गुरु दे सरबत दे भले दा राह नहीं छड्डिया कहिंदा जे किते ओह गुरु गोबिंद सिंह इन्नी कृपा कर लेंदे पटने दी थां इंग्लैंड पैदा हो जांदे कहिंदा दुनिया दे लोको मेरी आवाज़ सुनो एक अंग्रेज दी मैं की कहना चाहुंदा असी दुनिया दा कोई कोना ना छड्डदे जिथे निशान साहब ना चलदे हुंदे यही बेनती आप फेर करते हैं बई सिख बच्चा तो जमदा ही गुरु गोबिंद सिंह जी के घरे आदो बड़ा माण की हो सकता लोग तरसते ने कलगिया वाला कितने साड़ी धरती से आया हों असं चरणा सिर झुका ना थकते असी दुनिया नू दस देना थकते एडा वड्डा माण दिता एक मैं बेनती करदा जदों आप गुरु गोबिंद सिंह जी के सपुत्रां दी धीआं दी साहबजादियां दी गिणती करते हैं तो आपने आप नू विच गिणिया करो आम तौर पर जदों आपां नूं कोई सवाल होवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे किन्ने साहबजादे ने तां पूरे साहबजादियां दी गिणती करिया करो गुरु गोबिंद सिंह जी दे 5 साहबजादे ने क्योंकि दुनिया दे विच 2 तरह की औलाद मन्नी गई है एक बिंदी एक नादी बिंदी हुंदे ने जिहड़े आपदे घरे बच्चे जन्म लैंदे ने ते नादी हुंदे ने चेले ये भी असीं बथेरा पढ़िया आपां सारिआं ने कि दुनिया दे विच महापुरख होए ने रहिबर होए ने आपां इह भी पढ़िया भी उन्होंने दोवें तरह की औलाद भी दी वाहगुरु ने उन्होंने आपके बच्चे भी सी पुत धियां उन्होंने चेले भी सी आ तीजी गल भी आपां पढ़ी आ भी वह आपके बच्चों की भी सुख मंगते रहे चेलिया तू भी सुखी रह चेले की भी सुख मंगते रहे पर इस तो अगे साइलेंट आ दुनिया का इतिहास कि किसी भी पैगंबर ने आ जिगरा नहीं किया कि मेरे 4 जिगर दे टोटे रहन ना रहन मेरा पंथ पुत मेरा चेला मेरा पैरोकार मेरे आ पुत्र धियां जिउंदे रहन कोई दुनिया का इतिहास मिसाल नहीं कायम कर सकिया मैं महाराज की झूरी च खड़ के कहना ना कर ही सकूगा कोई ये नहीं हो सकना पैर नूं मिट्टी लग जाए बंदा
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ, ਕੰਡਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ ਖਤੋਲੇ ਹੋ ਜੇ ਪਰਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਊਗਾ ਏਡਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗਣੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਰੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਤੈਂ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ। ਅਜੇ ਤਾਂ 4 ਸਪੋਲੀਏ ਮਰੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਾਟਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ 4 ਜੀਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।